तो जैपनीज से किसी ने पूछा कि अमेरिका ने आप पे बम गिराया, एटम बम गिराया, आपने उनसे क्या बदला लिया है? तो उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका से ये बदला लिया है कि व्हाइट हाउस में पैनासोनिक का टीवी लगा हुआ है। सो आप किसी को बॉम्ब नहीं करते, आप उनको अपनी वीएन से एक्सप्लॉइट करते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जी मैं शुजात अली, मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात से। और आज की जो मेरी वीडियो है इसका वन लाइनर है, अ बेसिक एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स में नंबर वन वो एम डी कैट के स्टूडेंट्स हैं। एम डी कैट के स्टूडेंट्स में भी फ्रेश और रिपीटर्स दोनों हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव्ड हुए उनसे कि सर हम किस तरह प्रिपरेशंस करें। सो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेगी कि आप किस किस तरह प्रिपरेशन करें। और उसके अलावा भी जितनी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे, स्पेशली मेडिकल की फील्ड, उन सब के लिए ये वीडियो बड़ी मुफीद होगी। सो जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये कि वक्त तो गुजर जाता है। कोई भी इंसान है वो ज़िंदगी में स्ट्रगल से लाजमी गुजरता है। मैं यहाँ पे रिपीटर्स से खसूसन मुखातिब होना चाहूँगा, क्योंकि उनके लिए ये कर्व थोड़ा अजीब होता है, इतना ज़्यादा इंतज़ार करना, उस सारी में फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है। सो मैं उनसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी है, गुजर रही है, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर एंड दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। बट द थिंग विच मैटर्स इज़ कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को, आप किस तरह डिपिक्ट करते हैं अपने आप को। क्योंकि टाइम तो गुजर जाता है और स्ट्रगल भी इंसान लाजमी है कि उसने एक स्ट्रगल से पास होकर ही कामयाब होना है। क्योंकि बड़े कम लोग हैं जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, लेकिन उन चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वालों के भी आबाओ अजदाद में किसी ना किसी ने स्ट्रगल लाजमी की होती है जो कि वो इस मुकाम तक पहुँचते हैं। और मैं एम डी कैट के स्टूडेंट से कि वो कहते हैं कि सर किस टाइम हम स्टडी करें, देखें जो टाइम, इसका कोई जो है ना स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। आपने देखना है सुबह को जो टाइम है खसूसन, उसमें बायो को आपने लाजमी एटलीस्ट 2 घंटे जो है वो देने हैं। और इसी तरह असर में आप इंजॉयमेंट लाजमी करें और कुछ एक्सरसाइज वगैरह, अपने आप को इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी मशगूल रखें, और जो आपका ये ताकि जो स्ट्रगल का आपका जो ये टाइम है ये अच्छे तरीके से गुजरे और अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियों की तरफ लेके जाए। क्योंकि चीज़ें नहीं रुकती, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आपने स्ट्रगल करनी है, आपने अपनी एफर्ट करनी है, और बाकी डोरें आपने अल्लाह पे फेंकनी है, इंशाल्लाह वो आपको कामयाब ज़रूर करेगा। मैं आपको कुछ मिसालें दूँ, कुछ एग्जाम्पल्स जो कि करंट अफेयर्स में भी आ जाती हैं कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। रिसेंटली चाइना और लद्दाख में चाइना और इंडिया की फ़िज़िकल फ़ाइट चल रही थी, लेकिन उस फिज़िकल फ़ाइट के बैकग्राउंड में उनकी ट्रेड नहीं रुकी, वो ट्रेड उनकी अभी भी चल रही है और कंटिन्यू है। इसी तरह अगर हम बात करें जैपनीज़ की, सो जैपनीज़ से किसी ने पूछा कि अमेरिका ने आप पे बम गिराया, एटम बम गिराया, आपने उनसे क्या बदला लिया है? सो उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका से ये बदला लिया है कि व्हाइट हाउस में पैनासोनिक का टीवी लगा हुआ है। सो आप किसी को बॉम्ब नहीं करते, आप उनको अपनी वीएन से एक्सप्लॉइट करते हो। सो आप अपनी वीएन बनाएं, अपना ख्वाब बनाएं और उस पर मेहनत शुरू करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला वक्त के साथ साथ आपको टीम भी देता है और आपके लिए सरकमस्टांसिस पैदा करता है कि आप कामयाबी की ओजे कमाल पर पहुंचते हैं। और इंशाल्लाह आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, आपने स्टडी को भी, आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को भी साथ साथ लेके चलना है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका अजर ज़रूर देगा और आपको कामयाबियों के ओजे कमाल पर पहुँचाएगा। हमेशा से मेडिकल लेक्चर्स बाय शुजात की अपने स्टूडेंट्स के लिए यही दुआ होती है कि अल्लाह जो हमारे मेडिकल के बच्चे हैं, जो हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, जो उनके हक में बेहतर है वही हो उनके लिए। और आपसे भी एंड पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकल लेक्चर्स बाय शुजात। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, क्वेरी रिगार्ड्स एडमिशन, रिगार्ड्स एमबीबीएस अब्रॉड, पाकिस्तान में एडमिशन के हवाले से, आप लाजमी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच गाइस।